उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। तमंचे के बल पर महिला के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस व आरोपी महिला के ऊपर बना रहे हैं फैसले का दबाव। यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भले ही क्यों ना बड़े बड़े दावे कर रही हो, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ गांव के ही युवकों ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। महिला ने अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई और परिजनों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया था। डायल 100 पुलिस महिला और उसके परिजनों को थाने ले आई। महिला की ओर से आरोपियों के खिलाफ तहरीर तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दिसंबर से आज तक पुलिस ना तो गांव में गई है और ना ही कोई कार्यवाही की गई है। आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और महिला को धमकी दे रहे हैं कि तुम फैसला कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। महिला के घर वालों ने थाने से लेकर SP तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। महिला के ऊपर हल्का इंचार्ज फैसले का दबाव बनाया जा रहा है और आज महिला थाने में जाकर पुलिस वालों पर बिगड़ने लगी और कहा कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन हल्का इंचार्ज ने महिला को थाने से धक्का मार कर निकाल दिया और कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। मीडिया कर्मियों के कैमरे पर महिला ने बताया कि पुलिस मेरे को गलत बता रही है, तो मेरे मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए, यदि सत्य है तो कार्यवाही की जाए वरना मुझे जेल भेज दिया जाए। क्या हुआ आपकी लड़की? गर्भपात न गई। हमारी लड़की गर्भपात न गई तो हमारी लड़की धोरे का लड़का गया, धोरे का ही था। जो धोरे का था वो लड़की को हमारी धमका के कोरिया भर के झाड़ियों में ले गया। झाड़ियों में ले जाकर बेइज्जती करी हमारी लड़की और तमंचा सीने पर रखा। अब पुलिस से क्या न्याय जाती है? पुलिस ने कोई न्याय किया अभी तक नहीं? जब हम कुंदर के थाने रिपोर्ट करने गए, थाने गए थे, क्या हुआ तो मुकदमा नहीं लिखा हमारा और तहरीर लिखाई गई। उन्होंने तहरीर लिखी क्यों? पुलिस केस को क्या बता रही है? पुलिस ने क्या किया, झूठा आगे केस झूठा है। हाँ। कौन कह रहे थे ये बात? ये दरोगा साहब ने कही है। हल्का इंचार्ज है तुम्हारे? हमारे हल्के का। कहाँ रहती हो आप? रोकपुर। क्या घटना घटी थी आपके साथ? जैसे मैं गोबर पाथना गई थी बगिया में, तो एक लड़का आया दाऊद, तो उसने पीछे से आन के मुझे पकड़ लिया। उनने मेरी कोरिया भर के झाड़ों में खुले गया। झाड़ों में ले आने के बाद उन्होंने तमंचे से मुझे डराया, मैं के साथ यही आरोप कर रहा ना तो मैं तुझको मार दूँ। हाँ, फिर उसने मेरी बदतमीजी को सिलवा निकाल दिया। तो आप थाने गई थी क्या? गई थी थाने में, कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में। कितने समय हो गए, कितने दिन हो गए आप चुके? SP के धोरे भी गई, DIG के धोरे भी गई, वहाँ पे भी गई। क्या न्याय हुआ आपका? यहाँ पे कोई सुनवाई न हुई। यहाँ पे कह दी तुम्हारा झूठा केस है। किसने कहा थी? दरोगा साहब ने कही, ऐसा साहब ने कही। कौन सा थाना पड़ता है आपका? कुंदरकी। अच्छा, जो लड़की ने रेप किया था उसका क्या नाम है? मुरादाबाद से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।